आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। में यू टेक समाया इंसानों का टेक है साया टेक ही साथी टेक सहारे सारे संकट उससे हारे सारी तरक्की जड़ में है गांव से हर घर घर में है टेक है सबसे पावरफुल टेक नहीं तो सब है लुल टेक ही साधन टेक उपाय कोई नहीं तो टेक सहाये कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक। तो भाई फाइनली जो इतने समय से सुनने में आ रहा था, जो इतने समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि आईफोन 15 में क्या होगा, नया USB-C चार्जिंग पोर्ट आएगा नहीं आएगा, प्राइसिंग क्या होगी, कितनी किडनियां बिकेंगी, एक दोनों घर फ्लैट क्या गिरवी रखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं क्योंकि एप्पल ने आईफोन 15 लाइनअप जो है वो लॉन्च कर दी है ऑफिशियली। चार मॉडल्स हैं आईफोन 15, 15 प्लस, प्रो, प्रो मैक्स, दो वॉचेस भी हैं, वॉच सीरीज 9, वॉच अल्ट्रा सेकंड जनरेशन। सबके बारे में बात करेंगे आपके फेवरेट टेक पॉडकास्ट में सबका मालिक टेक, नया एपिसोड है एकदम। आज आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ फिर से सुन के शायद आशरी नहीं आई है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज आशरी हमारे साथ ही। हाय हाय आशरी, पूरी दिन रात कवरेज करने के बाद थोड़ा थक गई थी तो मैंने इंट्रो ले लिया है। मानस भी थका हुआ ही लग रहा है, मानस भी थका हुआ, सभी सभी नहीं आ रही मानस, मुझे अभी सिर्फ अमन थोड़ा फ्रेश लग रहा है। आई कैन अडैप्ट। तीसरा जी अमन राशिद है, अब तू 6 घंटे की नींद लेकर आया, मैं 3 घंटे, हां मैंने 3 घंटे की नींद में 6 घंटे का कंटेंट रिकॉर्ड कर चुका हूं। मेरे को अब 5 बजने वाले हैं, मेरे को अब 12 घंटे होने वाले हैं। उससे पहले मैं 6 घंटे सोने से पहले एक्चुअली 24 घंटा काम कर चुका हूं। वो तो यार मैंने भी सब चीजें कौन उससे सोया कोई, और अभी तो सबसे ज्यादा मजा आशरी को आ रहा होगा। मैं तो सोच रहा हूं आशरी आई भी है 5 बजे से और आशरी बस घड़ी के सुइयां देख रही है। बस बस बिल्कुल कह रहा है, जो लोग ये सब सुन के थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बता दूं कि भाई हमने पूरी रात दिन आज कवरेज करा है एप्पल के इवेंट के ऊपर, बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फाइबर जो हमारा चैनल है उस पर तो आया ही, आज तक रेडियो पर भी आपने सुना होगा शायद, आज तक पे इश्क FM ललन टॉप पे भी एक वीडियो करके आया, कहीं ना कहीं सुन लोगे देख लोगे। खैर तो आज क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज है, इतना बड़ा इवेंट है, तो फॉर्मेट में भी थोड़ा सा चेंज है। वैसे मैं इंट्रोडक्शन एक बार फिर से देता हूँ, आश्री है, अमन है, मैं मानस तिवारी, आप तीनों हम लोग यहाँ पर हैं। और फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज ये है कि यूजुअली हम इस पॉडकास्ट को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बिग टेक स्टोरी, एक आर डिवाइसेस वाला सेगमेंट होता है जहां हम अपने डिवाइसेस की बात करते हैं जो हमने यूज़ करें, और एक अपसर्ड न्यूज़ होता है, क्योंकि इस बार एप्पल इवेंट में तीनों ही चीज़ें मिल गई हैं। बिग टेक स्टोरी भी है, एक बहुत बड़ी टेक स्टोरी है, डिवाइसेस के बारे में तो बात होगी होगी, और अपसर्डिटी तो भर भर के है। तो आज सेगमेंट्स में बात नहीं करेंगे, खुल के इवेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तुम लोग मुझे बताओ ये करके, इवेंट में मज़ा आया या बोर हो गए? मुझे अच्छा लगा, मतलब इट वाज अ मूवी। हमेशा एप्पल इवेंट्स थोड़ी मूवी की तरह शोकेस करते हैं, स्पेशली उनका जो स्किट था जिसमें वो मदर नेचर, हाँ मदर नेचर, लोग पूछते थे मदर पापा कहाँ हैं, फादर कहाँ हैं, उनको कहाँ छोड़ के आ गए। मैं तो उन्होंने पूरा स्किट दिखाया था कि कैसे हाउ एप्पल इज गोइंग फुल कार्बन न्यूट्रल और कितना ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और डिवाइसेस और इवन इन देयर स्टोर्स जो भी वो चीजें लेके आ रहे हैं, तो दैट वॉज अ बिग सेगमेंट। इनफैक्ट काफी टाइम तक वो उसी में घुस गए थे। फिर ऑब्वियसली डिवाइसेस लॉन्च हुए, सो देयर वर बिग अनाउंसमेंट्स, स्पेशली एक्चुअली जो लीक्स था ना वही सब कुछ कंफर्म हो गया मुझे था। नहीं लगा सब कुछ, पता नहीं ये ना कुछ 2-3 सालों से हो रहा है, हम लोग एकदम, क्योंकि टेक की दुनिया में एप्पल इवेंट होता है एक फेस्टिवल की तरह, जैसे सबके लिए होता है ना भाई दिवाली होती है, ईद होती है, हाँ टेक की दुनिया में एप्पल का लॉन्च होता है 2.5 मिलियन पीपल वर वॉचिंग एट 10:35 जब जस्ट स्टार्ट हुआ था, 2.5 मिलियन, उससे आप लोग का अंदाजा लग जाए कितना बड़ा क्रेज रहता है। पता नहीं यार मुझे उतना मजा नहीं आया, और ये ना हर साल ना मुझे वो इंटरेस्ट मेरा डिक्लाइन होता दिख रहा है, मतलब पता नहीं क्यों इतना। मैं समवॉट अमन के साथ अग्री करता हूँ, और मेरे को इसके 2 रीजन लगते हैं, मैं भी उतना मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। फर्स्ट रीजन, मेरे लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। सही बात, जो कुछ भी अनाउंस करा है डिवाइसेस भी और जो उनके फीचर्स भी थे वो मेरे को ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता थे। मुझे मतलब कुछ भी नया ऐसा दिखा नहीं, वो एक लोग कई लोगों को डबल टैप फीचर तो दिया है वॉच का, वो अच्छा नहीं, पर वो उसके लिए लोग कई एक्साइट हो रहे हैं कि वो वॉच ऐसे, बट वो सैमसंग की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में ऑलरेडी आता है जहाँ पर आप ऐसे रिस्ट को बंद करके आप यूज कर सकते हो। समबडी वॉज वेयरिंग एप्पल वॉच सीरीज 7
एंड ही सेड ही इज बीन यूजिंग द डबल टैप फीचर सीरीज 7 में. मेरे को लगता है उन्होंने शायद अनाउंस किया था बट कभी रोल आउट नहीं हुआ था. आई डोंट नो वो कैसे कर रहे हैं. हो सकता है वो वॉच ओएस वर्जन नया अपडेट करके हो बट आई डोंट नो कैसे काम कर रहा है. बट इट इज अवेलेबल. हां तो आल्सो ये भी अगेन थोड़ा सा वो एप्पल विजन प्रो नहीं है जो उसमें भी तो दिखाया था ना पिंच करके आप काम कर सकते हो. तो दिस इज मोर और लेस द सेम थिंग. तो ऐसा नहीं कि पहले देखा नहीं था. ठीक है बाकी सब कुछ यार ऑलरेडी लीक्स के थ्रू रूमर्स के थ्रू पता था. एक भी चीज से मुझे एप्पल ने सरप्राइज करा नहीं. कई बार करते हैं कोई नया प्रोडक्ट ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट करते हैं. वन मोर थिंग भी नहीं किया. हम बैठे हुए थे. दूसरा रीजन जिसकी वजह से मेरे को मजा नहीं आया वो ये है जो आशी ने जो पॉजिटिव बताया मेरे लिए वो नेगेटिव था कि भाई कार्बन न्यूट्रल इतना सारा कॉन्वर्सेशन कार्बन न्यूट्रल ठीक है भाई समझ में आ गया है. प्रोडक्ट का लॉन्च है ना. प्रोडक्ट की बात करो एक एक उसके ऊपर मूवी बनाया जा रहे हो बैक टू बैक. मतलब क्या इतना ये पकड़ लेते हैं. मैंने देखा है ना कुछ सालों से पहले बीच में प्रिवेसी पकड़ ली थी. प्रिवेसी के ऊपर लंबी लंबी बातें करते रहते थे. अब इन्होंने कार्बन न्यूट्रल पकड़ लिया. ठीक है 5 मिनट बात कर ली 2 मिनट बात कर ली 5 मिनट बात समझ में आ गया. बहुत ज़्यादा कार्बन न्यूट्रल के ऊपर बात करा है. मतलब बहुत मुझे कहीं ना वो भी लगता है कि यार शोशा लगता है बहुत ज़्यादा. मतलब बेच रहे हो फोन हर एक चीज़ नहीं प्लस हर एक चीज़ के लिए आपने एक सेपरेट एक्सेसरी लॉन्च करी है. अब आप केबल अलग से बेचोगे आप अडैप्टर अलग से बेच यूरोपियन यूनियन का जो लॉ था उनका बेसिक यही था कि भाई उनको ई वेस्ट कम करना है बस. लेकिन इससे ई वेस्ट तो मुझे लगता है वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि मतलब ऑब्वियस थोड़ा बहुत तो कम होगा बट वही है. मतलब जैसे हम डिवाइसेस की बात कर रहे हैं अभी भी जैसे वॉचेज हैं इन सब में तो डिफरेंट चार्जर्स यूज हो ही रहे हैं एंड इट विल टेक सम इयर्स टू रीच देयर फॉर श्योर. इवन कई जैसे जिन लोगों के पास ऑनली लाइटनिंग केबल हैं तो उनको वो अडैप्टर तो लेने पड़ेंगे ना. वो बिल्कुल नया चार्जर लेना पड़ेगा डबल चार्जर हो जाएंगे. और उनका क्या होगा जो पुराने ये नहीं लेके आए हैं कोई एज अ न्यू फीचर. ये अंडर प्रेशर आया है जिसको दिखाया जा रहा है यो हाँ वी हैव शिफ्टेड टू यूएसबी-सी. नो 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 नो. चलो तो फिर ऐसा करते हैं इवेंट की तो बात हो गई एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं सारे डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं. पहले बात करते हैं 15 प्लस के बारे में जो कि इनके स्टैंडर्ड वेरियंट्स हैं. मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगी इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई. देखो टू बी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के मॉडल्स 15 जो है 80,000 रुपीज़ का है 90,000 का 15 प्लस है जो कि पिछले साल भी 14 और 14 प्लस का प्राइसिंग था. तो इससे क्या होता है कि यार अब जब आप प्राइसिंग सेम रख लेते हो तो आपको ना एक वो छूट मिल जाती है कि यार आप बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस ना भी करो तो एटलीस्ट आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. यस ऑब्वियसली हम एक्साइटेड नहीं हुआ कि बहुत कुछ बदल गया लेकिन डिसअपॉइंट होने का भी कोई खास रीज़न नहीं है बिकॉज सेम प्राइस पे आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा है. क्या अच्छा लगा मन तेरे को सबसे ज़्यादा 15 प्लस के बारे में. सबसे अच्छी चीज़ 15 एंड 15 प्लस की जो मुझे लगी है ऑफकोर्स हैज़ टू बी फिनिशेस. हाँ जो पेस्टल शेड्स हैं हाँ और प्लस सैटिन फिनिश दी है अराउंड द अक्रॉस द बोर्ड एक्चुअली प्रो और वेनिला मैट फिनिश मैट सैटिन फिनिश है और हल्का सा कर्व ऐड कर दिया है. 2.5D बोलोगे जो भी बोलोगे मतलब आपको इन हैंड फील आई होप सो अच्छी होने वाली इफ पास्ट इज एनी इंडिकेशन. और दूसरी प्रैक्टिकल चीज जो मुझे अच्छी लगी जिस पे उन्होंने ज्यादा बात नहीं करी है वो है A16 बायोनिक का कॉम्बिनेशन विद द बिगर बैटरी. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द बैटरी गेन्स. बैटरी बैकअप अच्छा होगा होपफुली. तो ये प्रैक्टिकल गेन्स है कि कैमरा से मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ. कैमरा आईफोन 12 अच्छा से, अरे भाई मेरा भाई आईफोन 10R से वीडियो शूट कर रहा है तो तुम देख ही लो कि आईफोन के कैमरास कितने अच्छे हैं. बट फिर मैं बता देता हूँ कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा कर दिया है 12 मेगापिक्सल की जगह 2x टेलीफोटो उसमें ऐड कर दिया है. और व्हाट यू कॉल आपका जो डायनामिक आइलैंड है वो आ गया है अब आईफोन 15 प्लस में. एक्चुअली मुझे मेरे लिए हाईलाइट फीचर था क्योंकि प्रो मॉडल्स में दैट वाज द एक्सक्लूसिव फीचर लास्ट ईयर. नाउ डायनामिक आइलैंड इज हैज कम टू द स्टैंडर्ड मॉडल्स. अब आई थिंक इसका और यूज केसेस भी बढ़ सकते हैं मे बी और एप्स में. हाँ इवन आई होप कि और एप्स में सपोर्ट रहे डायनामिक आइलैंड का. और एंड इट लुक्स वेरी कूल. सो पीपल हु वांट हाँ सो दैट इज व्हाट. अच्छी बात है तुमने बता दी कि देखो डायनामिक आइलैंड आ गया है. बैटरी बैकअप शायद बेटर होगा. A16 बायोनिक चिप 48 मेगापिक्सल कैमरा डिजाइन अमन ने बता दिया कि पहले से बेटर हो गया है. प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये कि 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल रहा है यार. 80,000 का फोन बना रहे हो तुम. 80,000 का ब्राइटनेस के मामले में दे हैव गॉन अबव एंड बियॉन्ड. S23 अल्ट्रा को पार कर दिया उन्होंने. मुझे ये लगा था जैसे ये लोग चिपसेट के साथ करते हैं ना कि पिछली जनरेशन वाला चिप यूज कर लेते हैं नेक्स्ट
मतलब प्रो का जो चिप होता है वो नेक्स्ट उसमें या कैमरा जो प्रो का होता है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में ले आते हैं, वैसे ही मुझे लगा था कि अब यार प्रो मोशन डिस्प्ले जो 120Hz है वो भी आ जाएगा, बट नहीं आया। मतलब 13 से 14 में नहीं आया, 13 प्रो से 14 में नहीं आया, और अब 14 प्रो से 15 में नहीं आया। 80,000-90,000 के फोन है यार, सस्ते फोन नहीं है। एंड्रॉइड में 15,000 मिल रहा है 120Hz का डिस्प्ले, इट वॉज अबाउट टाइम आई थिंक। ये एंड्रॉइड का 120Hz और एप्पल या आईफोन का 60Hz सब इतना भी नहीं है, डिफरेंस तो बहुत है ऑब्वियसली। देखो 120Hz इज स्टिल 120Hz चाहे वो एंड्रॉइड हो या एप्पल हो, पर हाँ ये है कि एप्पल का 60Hz लुक्स क्वाइट ऑप्टिमाइज, वो खेल एनिमेशंस की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। अगर आप वो चलते उसी स्पीड में बस वो इट्स जस्ट अ ट्रिक, इट्स अ प्ले, बट या ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी। और बात ये नहीं है कि यार एंड्रॉइड के उसमें फर्क है कि नहीं है, फर्क तो बहुत पहले होगा, आईफोन में है ही नहीं फर्क की क्या बात करें, है ना। आपने दिया ही नहीं है 60Hz पे बैठे हुए आप, अभी तक 2023 चल रहा है भैया, कब दोगे अब इसके बाद, है ना। अब 16 के अंदर जाके ऐड करेंगे यार, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात वो का, वो भी ऐड तो करेंगे नहीं करेंगे क्या पता। आई थिंक सब हो जाना चाहिए। कैमरा में काफी खैर इंप्रूवमेंट्स हैं, मानस ने ऑलरेडी बताया टेलीफोटो कैमरा वो हो गया। एक और अच्छी चीज है डेप्थ कंट्रोल जो ऐड हो गया है, कि अब ये है कि अब आप नॉर्मली कोई भी फोटो खींच लो आपको पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने मान लो तुम्हारी आश्री नॉर्मल फोटो ले ली, मैं पोस्ट में जाके पोर्ट्रेट मोड वाला ब्लर ऐड कर सकता हूं। ये कहीं देखा तुमने पहले फीचर? हां ये पिक्सल में देखा, सैमसंग में भी, सैमसंग भी देखा है, सैमसंग ने एक्चुअली पहले देखा, सैमसंग में अलग अलग तरह के ब्लर है। सैमसंग मैंने कब देखा, शायद 2017 या 18 S10 का आया था पहले देखा, हां 2018 का है ना, 17-18 आई डोंट नो, जो भी 17 या 18 तब मैंने उसमें देखा था पहली बार। सो इट्स लाइक ओल्ड एंड्रॉइड फीचर्स नाउ कमिंग टू न्यू आईफोन्स, वो इधर से उधर भी होता है, उधर से इधर भी होता है। और इंप्रूवमेंट आईफोन में एक स्टैंडर्ड मॉडल्स, अल्ट्रा, हाँ स्टैंडर्ड मॉडल्स, अल्ट्रा वाइड बैंड चिप, तो U1 चिप का नाम सुना आपने होगा, एयर टैग्स में यूज करते हैं, वॉच में आता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन आ गया बेसिकली, उससे आपको थोड़ा सा और प्रिसिजन बेस्ड ट्रैकिंग हो जाती है। मतलब अगर मान लो मैं फोन लेके जा रहा हूँ मानस के पास एयर टैग है तो और प्रिसाइसली मुझे मानस के पास ले जाएगा, हैप्टिक फीडबैक्स मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे एक वो क्या बोला वो फोन में जो वॉइस आइसोलेशन फीचर, ये भी टेस्ट करने वाली चीज है भाई, बोल तो रहे कि बड़ा, बट ये भी अगेन समथिंग विच आई हैव सीन, सैमसंग में भी आता है कि आप अगर बात करो तो पीछे का आवाज जो है उसको कम कर देगा, और भी कुछ कुछ एंड्रॉइड फोन्स में आता है। मेरे लिए कहां से अच्छा होगा, ये तो दूसरे के लिए अच्छा होगा ना, हमारे लिए कितना वो काम करता है। नहीं बट ये फीचर एक्चुअली iOS 16.5 में ऑलरेडी ये वाला फीचर तो है ही है, कि जब आई हैव यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स, जब आप फोन पे हो वॉइस आइसोलेशन यू कैन इनेबल, इनफैक्ट देयर आर 2-3 फीचर्स। तुमने किसी TWS पे देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस वाई हो सकता है कि बैक एंड पे कुछ इंटीग्रेट करो इस बार या बेटर करो। सेटिंग्स में जाके लाइक यू कैन लॉन्ग प्रेस द माइक मोड एंड देन यू कैन चूज द, ये किसी और, या आई एम टेलिंग यू शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक फीचर ओनली, लाइक यू कैन, चलो एनीवे। सो आई वॉइस आइसोलेशन भी आ गया, एंड ओवरऑल जो है आईफोन 15 प्लस से इस बार वाकई में मैं ये बोलूंगा आई हैव मिक्स फीलिंग्स, ऑब्वियसली आई एम नॉट लाइक मैं बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंप्रेस्ड या कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं डिसअपॉइंट भी नहीं हूँ, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है जब 14 प्लस आए थे तो मेरे को लगा था कि यार क्या रीपैकेजिंग करके दे दी है, 13 ही ले लो इससे बेटर है। इस बार मैं स्ट्रेट अप ये नहीं बोल सकता कि आप 14 ले लो, बिकॉज 15 में कुछ मीनिंगफुल चेंजेस तो करे हैं। इस बार जो कन्फ्यूजन रहेगा वो रहेगा 14 प्रो और आईफोन 15 के बीच में, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं ये चीज कि आईफोन 15 बेसिकली है तो iPhone 14 Pro का ही वर्जन, 120Hz और एक कैमरा एक्स्ट्रा, कैमरा लाइडार माइनस करके। पर मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि iPhone 14 Pro की भी प्राइस कम होके भी इस वक्त 128GB वाले की 105,000 के आसपास है, तो 25,000 रुपए का प्राइस हो गया, प्राइस कट हो गया जो रिफ्लेक्ट हो रहा है नया उसमें, आ गया रिफ्लेक्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कल रात को कुछ इतना ही आ रहा था, थोड़े एक दिन थोड़ा बहुत हो सकता है फ्लक्चुएट भी है, तो तब भी 25,000 रुपए बचाओगे एयरपॉड्स लेना नए टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट वाले, 25,000 के आ रहे हैं, ठीक है। एनीवे सो मूविंग ऑन टू द आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स, जो कि बड़े महंगे प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन फोन्स हैं, जैसा आश्री ने बोला बहुत ज्यादा महंगे फोन्स हैं। 15 प्रो जो है वो शुरू हो रहा है 1,34,900 पे, 5,000 रुपए महंगा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और 1,60 का है आईफोन 15 प्रो मैक्स, ये हो गया 20,000 रुपए महंगा हो गया 14 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में, ये जा रहा है
2,00,000 रुपए तक, 1,99,900 रुपीज एक टीवी वेरिएंट के लिए। अगेन मैं बोलूंगा हम यहाँ कैसे आ गए कि हम 2-2 लाख के फोन बना रहे हैं और महंगाई खरीद भी रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल ही और लिखवा लो द हाईएस्ट सेलिंग आईफोन मॉडल एज ऑलवेज विल अगेन बी द आईफोन 15 प्रो मैक्स आईफोन 14 तो 15 प्रो मैक्स में फिर से आप लोग बताओ आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्या नहीं लगा बता दूंगा, क्या अच्छा लगा बताओ आप। मुझे तो सबसे पहले तो वो जो टाइटेनियम इन्होंने ग्रेड 5 फिनिश दी है एक्चुअली, मतलब उससे काफ़ी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट टाइटेनियम फिनिश एप्पल वॉच 6 गैलेक्सी वॉच 6 क्लासिक में, वॉच 5 प्रो में टाइटेनियम 6 क्लासिक, इट्स स्टेनलेस स्टील। ओके आई वॉज कन्फ्यूज्ड। हाँ तो उसमें एक्चुअली टाइटेनियम ग्लास है एंड एक्चुअली इट्स वेरी लाइक ड्यूरेबल और उससे ना वो भी कम हो जाता है, थोड़ा लाइट वेट भी है फ़ोन। सो ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स वाइज फ़ोन इज़ गोइंग टू फील मच बेटर, मच लाइटर और थोड़ा अच्छा प्रीमियम और फील आएगा। मेरे हिसाब से भी प्रैक्टिकल रीज़न की तरफ ही मैं जाऊँगा, स्क्रीन 14 प्रो मैक्स की ऑलरेडी अच्छी थी, कैमरा ऑलरेडी अच्छे थे, इस बार टाइटेनियम की वजह से जो वेट कम होएगा ना फ़ोन का, हाँ 14 प्रो मैक्स 220 ग्राम्स के आसपास विद द टाइटेनियम फिनिश, फिंगरप्रिंट मेस नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील, आई थिंक सो दैट्स द बिगेस्ट चेंज, प्लस बिगर बैटरीज। प्रैक्टिकली देखूँ बेस्ट बिकम्स बेटर। मैं तो आई वॉन्ट टू सी ये जो गेमिंग वेमिंग को लेकर थोड़ा अल्लाह किया क्योंकि पहली बार कराया अपन ने इतना, मेरे को नहीं इन माई मेमोरी पिछले 4-5 साल में करते हैं पिछले बार भी गेमिंग इतना नहीं करते, बहुत थोड़ा बहुत छोटा बटा अच्छा खासा उन्होंने पूरा अच्छा खासा उसको वेटेज दिया है कि 17 प्रो के साथ थोड़ा सा एम्फेसाइज भी करा है कि नाउ इट्स गॉन बियॉन्ड द यूजुअल जो उनका थोड़ा सा वो है ना जो परफॉर्मेंस रहता है, प्लस कुछ गेम्स भी बता दिए जो उनके सपोर्ट करेंगे, रे ट्रेसिंग स्पेशली थोड़ा सा एक्साइटिंग फीचर है अगर आएगा, क्योंकि देखो टिपिकली आईफोन्स लोग खरीदते हैं एस्पिरेशनल वैल्यू खरीदना चाहते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है हम सबको पता है, आज की डेट में अगर आईफोन 12 13 में निकाल लो किसी भी एंड्रॉइड फोन को बीट कर सकता है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, पर गेमिंग को लेके समहाउ आईफोन्स की बात नहीं होती उतनी। अगर कोई हमसे पूछता भी गेमिंग के लिए फोन, हम कभी हमारा पहला ऑप्शन आईफोन नहीं होता रिकमेंड करने के, जबकि अच्छा चलता है, एग्जैक्टली अच्छा चलता है, अच्छा बहुत अच्छा लैग नहीं कोई, मेरे हिसाब से बेस्ट फोन्स टू गेम ऑन आर आईफोन्स, थ्रॉटल नहीं मारता, बिल्कुल नहीं मारेगा, थ्रॉटल नहीं मारेगा लेकिन समहाउ वो बना नहीं, वो वाली पोजिशनिंग नहीं बनी है। अब क्योंकि ये जो लेकर आ रहे हैं चीज़ें और जिसके बारे में हल्ला मचा रहे हैं और जिस इनकी मार्केटिंग और पीआर यूजुअली रहता है, थोड़ी इसके बारे में जब और बात होगी तो थोड़ा सा जो है हो सकता है वो गेमिंग की तरफ भी लोग अब आईफोन्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें तो वो एक्साइटिंग है। फीचर्स फटाफट से मैं आपके लिए रिकॉल कर देता हूँ, 6.1-6.7 इंच के अंदर दोनों फोन आ रहे हैं, दोनों में ओलेड पैनल्स हैं, दोनों के अंदर जो है आपको A17 प्रो जो नया इनका बायोनिक चिप है वो मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा है लेकिन सेंसर्स पिछले साल के कंपैरिजन में बड़ा कर दिया है, सेंसर शिफ्ट हुआ है, ओएस मतलब बेसिकली बेटर हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन सेंसर शिफ्ट आपका क्या होता है कि यार वो जो 3 आपके फोन में सेंसर्स है तो अपने आप जो है वो सेंसर शिफ्ट हो जाता है, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास या दूर जाओगे वो हो जाएगा। स्पेशल वीडियो रिकॉर्डिंग का इन्होंने इस बार ऐड करा है एक नई चीज़ जिसमें आप 3D वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे, बैटरी होपफुली बेटर रहेगी इस साल भी, बाकी प्राइसिंग वगैरह मैंने आपको बताई दिया है। अच्छा तो ये हो गई बात 15 सीरीज की पूरी ना। ओवरऑल जिस एक चीज़ से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि एज सच कोई बहुत बड़ा रिफ्रेश इस साल भी नहीं हुआ और अब आईफोन 10 के बाद आई थिंक 4 या 5 साल हो गए हैं जबकि एक रिफ्रेश मांगता था, वो मैजिक मिसिंग है मतलब 1 साल 2 साल 3 साल समझ में आता है कि यार आप हर साल सब कुछ नहीं बदल सकते पर 5 साल में तो यार अब एक बड़ा एक अपग्रेड एक बड़ा चेंज चाहिए था, शायद कुछ डिजाइन कम्प्लीटली चेंज कर सकते थे के साथ आएगा। मुझे तो लगता है वो आईफोन फोल्डेबल के साथ ही कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज आएगा, अदरवाइज फोल्डेबल्स नहीं आसपास भी नहीं है, फोल्डेबल्स ना आसपास भी नहीं है लॉन्च के अभी आईफोन, अगर फोल्डेबल्स के भरोसे रहेंगे आईफोन के तो बहुत टाइम निकल जाएगा, हालांकि मैं ये जरूर इनको बेनिफिट देता हूँ तो भरोसा भी लगता है कि वो वेट करेंगे क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे 2-3 चीजें हुई हैं है ना, थोड़ा डिटोर भी लूंगा लेकिन एक तो एप्पल ने क्या करा है कि अब इट्स नॉट अ प्रोडक्ट कंपनी एनीमोर, हाँ इट्स राइट, वो अब सर्विसेज की कंपनी बन चुके हैं, उनको ये पता है कि भाई आईफोन तो बंदा एक बार खरीदेगा 4 साल चलाएगा सेम आईफोन, ये वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन एप्पल म्यूजिक एप्पल आर्केड एप्पल टीवी प्लस आई क्लाउड स्टोरेज ये रिकरिंग कॉस्ट है, ये आपको हर महीने पे करना पड़ेगा, यहाँ से मोटा पैसा आ सकता है और इनफैक्ट ये सब चीज़ें इनकी जो है बहुत बड़ा एक आई क्लाउड स्पेशली मेजर रेवेन्यू सोर्स है तो ये उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इनको ये भी पता है कि कैसा भी बना दे फोन बिकेगा तो है ही, अभी जो ये 4 चीज़ें चेंज करी ना अगर ये नहीं भी करते ये
अगर USB-C नहीं भी लाते हैं 48 मेगापिक्सल नहीं लाते तो भी ये बिकता। इस पे भी बोल रहे वाओ सच अ ह्यूज, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही नहीं है उस तरह का, ठीक है। तो क्योंकि बिकेगा तो ये कैसा भी फोन लॉन्च कर सकते हैं इस वक्त, और इनको ये पता है, हो सकता है इनके पास बहुत सारी चीजें तैयार हो, इनके पास बेटर हार्डवेयर हो, इनके पास बेटर डिजाइन हो, सॉफ्टवेयर हो, फीचर्स हो, फिर क्यों निकालेंगे? क्योंकि जरूरत नहीं है तो क्यों निकालेंगे। अब ये शायद वेट कर रहे हैं कि 1-1.5-2 साल में इनको जब लगेगा ना कि वाकई में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कुछ चेंज की जरूरत है, तब फिर थर्ड थिंग इज कि अगर आप लास्ट 2-3 साल में देखोगे सो देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर वर्किंग ऑन, बहुत सारी दूसरी चीजों पर काम कर रहे हैं। जैसे विजन प्रो एक चीज है, इस पर बहुत टाइम से काम चला था, VR हेडसेट जो इनका है, एप्पल कार के बारे में हम सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, AI में उन्होंने बहुत हेविली इन्वेस्ट करा है, नए लोग लेकर आए, गूगल के फॉर्मर एम्प्लॉयज को हायर करा है, फोल्डेबल फोन जिसकी आशा ने बात करी, उसके पेटेंट्स वगैरह आए हैं, पता नहीं है कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर है कि काम तो करा है इन्होंने ना, पीछे कुछ ना कुछ प्रोटोटाइप तो बनाए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इतना बड़ा ट्रेंड छोड़ देगा कि हमने तो नहीं बनाना फोल्डेबल, सैमसंग को बनाने तो ट्राई तो कोशिश तो करी होगी, ठीक है। वो कहाँ पहुंचे हैं पता नहीं है उसको लेकर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे, जैसे एक याद होगा आप लोग, एक चार्जिंग पैड लेकर आए थे ये लोग, इसमें आप तीनों चीजें एक साथ चार्ज कर सकते थे, बट देन द लेटर केम आउट एंड सेड कि यार वो जैसा चाहिए था वैसा बना नहीं है, तो उन्होंने कभी उसको लॉन्च नहीं करा। तो इस तरह की चीजें होती है। इनमें ना रिसोर्सेज लगते हैं, मतलब बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं इनमें काम करने के लिए, इनके डिजाइन पे, R&D में, रिसर्च में। तो क्योंकि ये इतना ज्यादा रिसोर्सेज थोड़े फ्यूचर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी इधर जो है iPhones है इनकी R&D में उतना इन्वेस्टमेंट इस वक्त शायद नहीं हो रहा, या हो रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है, ताकि वो, और इसीलिए मैं 2 साल की जगह 5 साल या 6 साल में अपग्रेड देखने को मिलेगा, ये मेरी थ्योरी है। एंड ऑल्सो बिकॉज एप्पल के ना बहुत ज्यादा लॉयल फैंस हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स व्हाई मे बी एप्पल थोड़ा बैक सीट ले लेता है। अब आई डोंट नो क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, लॉयल फैंस है, थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि भाई बिकना, वही जो मैं कह रहा हूं ना, बिकेगा तो है ही, देखो जिसने खरीदना है वो तो ऐसे भी ले लेगा, और चेंज उन लोग को पसंद नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। एप्पल हाँ है भाई, चेंज इतना जल्दी मतलब होता भी नहीं है, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, वो पसंद नहीं। जैसे मैंने कल से मैं, इवन आईफोन यूजर्स दे आर लाइक सो यूज्ड टू यूजिंग दैट, कहां पे बोल रहा था उनको किस चीज से फर्क पड़ता है, और जब वो एंड कॉल एंड बटन वो इस कोने से होके इधर बीच में कर दिया, उस पे लोगों ने हुआ मचा दिया था कि भाई ये क्या कर दिया तुमने यार, मसल मेमोरी होती भाई आईफोन वालों की। जो लोग मुझे कल से ये बोल रहे ना कि यार इस बार आईफोन यार मजा नहीं आया, उनसे मेरा एक ही सवाल होता है कि आपके हिसाब से क्या एक चीज है जो एप्पल कर देता जो कि नहीं करी। सवाल जवाब ही नहीं दे रहा कोई, किसी के पास जवाब नहीं हो, कह रहे हैं यार आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, बस थोड़ी तो रातों रात की आप आइडेंटिटी चेंज कर दो, कितनी मुश्किल से बनती है, बना के दिखाओ आइडेंटिटी, हर कोई थोड़ी बना पाता है। इनफैक्ट मुझे तो एक चीज सबसे अच्छी लगी इस बार आईफोन लाइनअप में, क्योंकि जो 14 या स्टैंडर्ड 13 मॉडल था ना वो थोड़े ऐसे बोरिंग से होते हैं, लेकिन 15 का जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना विद डायनामिक आइलैंड एंड बेटर कैमरा इन चिपसेट, आई फील इट्स अ वेरी गुड लाइक आउट ऑफ ऑल द दिस थिंग बेस्ट वैल्यू फोन तो इस बार आईफोन 15 है, बेस्ट वैल्यू डेफिनेटली, आल्सो क्योंकि प्राइस भी सेम है, सबसे अच्छी बात की बात हो, कार्ड ऑफर आएंगे 4,000-5,000 ऑफ मिलेगा भाई, अच्छा वैल्यू है, बहुत अच्छा। ऑब्वियस सवाल अब लोगों के मन में भी होगा, पता नहीं ना डब्बे आने दो, डब्बे में से पता चलेगा। अच्छा। बहुत सारे लोगों के मन में ये वाला सवाल भी होगा कि भाई 15 vs 14 कौन सा लें, उनको मैं ये बोलूंगा यार अगर देखो मेरे हिसाब से मैं इंक्लाइंड हूँ कि आप 15 के लिए जाओ, बिकॉज मीनिंगफुल अपग्रेड्स हैं, लेकिन अगर 55,000 में 14 भी मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड डील, अभी सेल वेल में आ जाएगा 55,000 तक का, कोई ऐसा बहुत फ़र्क आपके एक्सपीरियंस के ऊपर पड़ने नहीं वाला। फैंस की बात की थी आशनी ने कि एप्पल के फैंस हैं, जो ये बताओ मेरे को फैंस से कौन कौन जा रहा है इस बार एप्पल के स्टोर पहले दिन फ़ोन लेने? अरे भाई हम तो नहीं जा रहे, पैसा नहीं है। पर लाइनें लगेंगी, लाइनें तो बहुत लगेंगी भाई, बिल्कुल लगेंगी, गदर बिल्कुल मचने वाला है, गदर गदर 3 एंड आल्सो बिकॉज़ हां और जो साकेत वाले स्टोर है उन दोनों स्टोर में जो गदर इस बार मचने वाला है ना इंडिया के अंदर, जो लंबी लंबी लाइनें लगने वाली हैं, विजुअल्स जो आने वाले हैं वहां से, दे गोना बी इनसेन, वो कवर करने चले जाते हैं, अब वो कवर करने की कोशिश, फोन करने ना, फोन लेने आज 1 घंटे बाद पता चलेगा, अच्छा 1 घंटे बाद कवर करने जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, एनर्जी होगी इतनी तो नहीं, एनर्जी की बात नहीं है, 1 घंटे बाद पता चलेगा कवर करने जाते हैं, ऐसी बातें कर रहे हो, सुनने वाला सोच रहा होगा कि भाई बात क्या कर रहा है, हंस क्यों रहा है, कुछ हमारे आपसी जोक है दोस्तों, एक आध चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। खैर तो ये तो हो गई आईफोन 15 लाइनअप, अब वॉचेस पे आ जाते हैं। Yes. दो वॉचेस हैं, एक मैंने रूमर्स में था लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि एप्पल वॉच अल्ट्रा सेकंड जनरेशन लेकर आएंगे, बिकॉज ऐसी वॉच में यार आप कितना ही अपडेट्स लेके आ सकते हो, और वही हुआ है, फैक्ट वही है कि इवन दो दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू वॉच बहुत कुछ बदला नहीं है उसके अंदर, क्या है गिनती गिने चुनी चीजें, ऊपर की चीजें ही बदली है, 89,900 प्राइस है, सेम प्राइस जो लास्ट ईयर थी, डिस्प्ले 3,000 निट्स का दे दिया, पता नहीं क्या करेंगे, वो है
जिसमें दो खाके और ऐसे चमकते हैं दांत, वैसे ही एप्पल वॉच अल्ट्रा लेके मैं बैठ सकता हूँ चमकती हुई। नहीं बट एक्चुअली ना ये एथलीट्स के लिए जो एकदम एडवेंचरस बट उनके लिए तो अल्ट्रा थी ना ऑलरेडी तो, और वो भी क्या एथलीट, और एथलीट्स यार जो भाग रहे भी नहीं दे रहे सही से। 36 घंटे की बैटरी लाइफ है और 72 घंटे की लो पावर मोड पे है। 36 घंटा इज जस्ट आई मीन एक 24-30 घंटे भी नहीं चलेगी यार अगर मैं सब कुछ ऑन कर दूंगा उसके अंदर, 36 घंटा ऑन पेपर है विच इज डिसअपॉइंटिंग। एक कुछ ऐड किया ना एम्बिएंट सेंसर इन्होंने ऐड करा है, एम्बिएंट सेंसर ऐड करा जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वॉच सीरीज 9 में करा एक्चुअली सर, इसमें नहीं एम्बिएंट मोड सेंसर इसमें भी करा है वॉच अल्ट्रा, वॉच अल्ट्रा नया चिप दे दिया S9 चिप जो कि थोड़ा सा उसको और फास्ट कर देगा बट परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी वेरी गुड। तो ये छोटी मोटी चेंजेस करें इसके अंदर, बहुत चेंजेस नहीं है अगेन वो ये कि बेनिफिट वो ये प्राइस नहीं बढ़ाया है। हाँ और मोटा मोटा इन्होंने एक और चीज पे फोकस किया वॉच अल्ट्रा पे और वॉच सीरीज 9 पे भी, वही एनवायरमेंटल फ्रेंडली 95% रिसाइकल्ड टाइटेनियम से बना एक्चुअली वॉच अल्ट्रा। एक चीज नोटिस करी नाउ दैट आई कम टू थिंक ऑफ इट, हेल्थ के बारे में बात नहीं करी उन्होंने। हाँ तो क्या बात करेंगे, पिछले साल के फीचर्स हैं वही सब, नया कोई फीचर ही नहीं है क्या, एवरीथिंग इज बेसिकली उसके लिए दो चार पहले बीमारियां मनानी पड़ेंगी फिर उसको उसकी ट्राई कुछ करना है फिर वो आईफोन 16 के लॉन्च इवेंट से पहले दिखाएंगे मूवी। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रेफरेंस मिला वो स्टार्टिंग वाला एकदम फर्स्ट स्किट में ही था कि एप्पल वॉच ने जाने बचाई किसी का ये करा किसी का वो करा, बट हाँ सीधे सामने से आके ना फिटनेस की बात करी ना वो जिम विम करते हुए दिखाते ना एप्पल फिटनेस प्लस, वो आज तक इंडिया में नहीं आके दे रहा है भाई, ये तो गजब हो गया। सीरीज 9 जो है सीरीज 9 में नए कलर्स हैं, पिंक वाला कलर आ गया पिंक, ठीक है विच इज पिंक आईफोन पिंक वॉच, ओहो क्या बात है ठीक है। उसके अंदर है वो 1 nits to 2000 nits वाला जो डिस्प्ले भी है अल्ट्रा में 1 से 3000, तो इसमें 1 से 2000 nits है, 2000 इज डीसेंट ब्राइट। ये 1 nits to 2000 हाउ लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, डिम हो जाता है मतलब अपने आप क्या कहां पर आपको अपने एंबियंस के हिसाब के मिनिमम ब्राइटनेस, मान लो तुम एकदम पिच डार्क एनवायरनमेंट में सोती हो तो आंखों में छुपती है ना डिस्प्ले वो अपने आप कम कर देगा, 1 nit तक चले जाएगा, 0 nit क्यों नहीं जाएगा बताओ, फिर तो कुछ दिखेगा नहीं ना। ओके यार दैट इज ट्रू, वैसे तो 1 nit से भी कुछ ना के बराबर है यार, इट्स लाइक व्हाट इज कमिंग नाउ। यूजुअली फोन्स में होते हैं जो LTPO पैनल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो रिफ्रेश रेट ऐसे करते हैं ना अपने आप नीचे से, हां वो दिखता थोड़ी है फिर उसके बाद कुछ नहीं रिफ्रेश रेट करते हैं वो। अच्छा तो डिस्प्ले इसमें भी वो आपकी अल्ट्रा वाइड बैंड चिप है, इसमें सीरी का हेल्थ ट्रैकिंग ऐड कर दिया है कि आप सीरी के थ्रू वॉइस कमांड के थ्रू हेल्थ ट्रैकिंग कर सकते हो, ये कर दो सीरी वो कर दो सीरी चाय ले आओ। बाकी तो इन्होंने वॉच फेसेस और कुछ नए बैंड्स ये सब बैंड्स पाएंगे अभी जो कार्बन न्यूट्रल पे थोड़ी बात करेंगे। बैटरी को लेकर मैं इसकी पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटेड हूं, बैटरी लाइफ 18 आवर्स, कौन से स्कूल में पढ़े हैं ऑल डे में, कौन सा 18 घंटे का दिन बनता है इनका, 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमें, 24 घंटे का दिन होता है, 18 घंटे अगर ऑन पेपर दे रहे हैं भाई 14-15 घंटे मैक्स चलेगी विच इज पथेटिक बैटरी लाइफ, आई डोंट नो कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इसके बारे में। अच्छी चीज यहाँ पर बस एक ये करी है कि वॉच सीरीज 8 के कंपैरिजन में प्राइसिंग कम हो गई है एक्चुअली, सेम भी नहीं रखी है, कम ही कर दी है, तो 41,900 मिल रही है 42,000 rupees विच इज आई थिंक अच्छा ही है कम कर दिए क्योंकि फीचर वाइज ऐसे कुछ बड़े चेंजेस है नहीं, इवन डिजाइन वाइज इतने कुछ डिजाइन तो मोर लेस सेम ही है सीरीज 8 बस इन्होंने वो जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाला जो एस्पेक्ट डाला उस पे आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली पर्यावरण बचाओ ठीक है, उसमें इन्होंने क्या करा है लेदर वाले बैंड्स लेदर वाले केसेस सब बोला है बंद कर दिए, अब से नहीं मिलेंगे, कोई नया मटेरियल है फाइन वोवन, फाइन वोवन उसी चीज से सब बना रहे हो, उससे स्ट्रैप उससे केस उससे टिम कुक के विग सब वो इसी से बनेगा ठीक है, जो बनना है सब उसी से बनेगा, टिम कुक भी एक्टर बन गया कल तो, हां कार्बन न्यूट्रल वाली मूवी वही तो था, हां सभी सभी एक्टर्स बन गए जितने भी, उसने पहले भी एक वो नहीं किया था वो एक रेस्क्यू वाला छत पे से निकाल के पता नहीं वो जाते जाते कुछ कुछ कर रहे हैं ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा दो चीजें और अनाउंस हुई हैं इंपॉर्टेंट, एक एयरपॉड सेकेंड जनरेशन जो थे प्रो एयरपॉड्स प्रो 2 प्रो, उनमें टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के साथ वो अपडेट होकर आ जाएंगे, क्यों जिनके पास है उनके पास लाइटनिंग से चार्जर है करो चार्ज अपना क्या जा रहा है, और जो लोग जिनके पास अच्छा ये ईयरपॉड्स हैव कम बैक फ्रॉम द डेड, वो भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आ रहे हैं, 2000 रुपए के मिलेंगे वो इंडिया में
तो दैट इज कमिंग बैक. और एक वो कनेक्टर इन्होंने दिया है लाइटनिंग टू टाइप सी वाला, वो टाइप सी टू लाइटनिंग वाला, वो 3,000 रुपए का इंडिया के अंदर मिलेगा. तो ये बट एक्चुअली मुझे ना ईयरपॉड्स वाली चीज स्ट्रेंजली मुझे अच्छी लगी, बिकॉज आई एक्चुअली लव वायर्ड वाले ईयरबड्स. और एप्पल के जो वायर्ड ईयरबड्स 2,000 के मिलते हैं उसका ऑडियो इज वेरी गुड. 2,000 के तुम नॉर्मल वायर्ड ईयरबड्स खरीदोगे उससे उसका बहुत अच्छा वायर क्वालिटी उतनी पसंद नहीं आती. वायर क्वालिटी थोड़ा टैंगल भी हो जाते हैं बहुत जल्दी. का तो चलो छोड़ दो, टूट बड़े जल्दी आते हैं. पहले टूटते थे, अब मैं तो बहुत टाइम से यूज करे नहीं. अब भाई मैं तो एप्पल की केबल मेरी टूट गई, वो यूएसबी टाइप सी वो मैक वाली मेरी. बहुत बुरा कंडीशन होता है इनके केबल. ब्रेडेड केबल बहुत अच्छी है पर अगेन मिलती कहां है, इतनी महंगी है. तो ये था भाई ओवरऑल जो चीजें लॉन्च हुई है. इसके अलावा तुम्हें कुछ ऐड करना है इसमें, कुछ अब्सर्ड न्यूज हमने करी नहीं है. क्या है अब्सर्ड? वही अब्सर्ड न्यूज है भाई, 2,00,000 का आईफोन पहुंच गया. मजाक कर रहे हैं आप? अब्सर्ड न्यूज में निकालने बैठूंगा तो बहुत सारे निकलेंगी. 2,00,000 का आईफोन आ गया है, वो मैंने जो हमने भी बैटरी की ऑल डे बैटरी लाइफ 18 घंटे. एक इनका क्रिएटिव गया इनकी वेबसाइट के ऊपर जिसमें लिखा है आईफोन 15 के लिए ऑल डे बैटरी लाइफ व्हेन प्लग्ड इन. जब तुम चार्जर लगा के रखूंगा तो फिर तो होएगा ही ना, पूरे दिन चलेगा ना. उन्हें खुद पे ही बहुत भरोसा है अपने डिवाइसेस पे, अब्सर्ड न्यूज निकल जाएगा हमारा ऐसे तो. ऐसी बतरी अब्सर्ड न्यूज है जो इस इवेंट में से निकली है. बट हाँ आई थिंक 2,00,000 का आईफोन इज द मोस्ट आई थिंक इसकी बात होने मोस्ट क्रेजी इनसेन अब्सर्ड आई सिनोनिम्स एक से एक एडजेक्टिव्स निकल आएंगे इसके. यूएस और इंडिया के प्राइसिंग में अभी भी वैसे काफी फर्क है. बहुत फर्क है यार यूएस में और यूएस का ये प्राइसिंग का ना जो चोंचला है बहुत टाइम से, मतलब जो आईफोन 10 के साथ आया था कि जो उन्होंने जब डिक्लेयर एक तरह से अनऑफिशियली हो गया कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, एक्सेप्ट कर लिया था भाई आईफोन 10 100,000, आईफोन 11 प्रो कितना 100,000 अगेन. वो जो 12 के साथ हुआ है ना 125,000, फिर 13 के साथ हुआ 120, फिर 14 के साथ हुआ 130, राइट right. वो तो बढ़ते गया वहां पे तो अभी भी $1,000, आज भी $1,000 है यहाँ पे. 1,34-1,35 का अभी यहाँ 35,000 का डिफरेंस. अब एप्पल के हिसाब से मतलब $1 इज इक्वल टू 135 रुपीज, व्हाट डज दैट मीन. सुबह की फ्लाइट कराओ, शाम की वापसी करा लो, कहीं रुकने का खर्चा भी नहीं है, फोन लेके आ लो, शायद 5-10,000 बची जाएंगे तुम्हारे. दुबई में घूमोगे तो पैसे बहुत लगते हैं वहाँ घूमने, घूमना बहुत महंगा है. अच्छा वियतनाम जाओ, वियतनाम से ले आओ, सस्ता मिल जाएगा एकदम बढ़िया. कोई सस्ता ट्रिप भी हो जाएगा. सस्ता ट्रिप मारना ही नहीं है भाई, अप एंड डाउन लो 15,000 की फ्लाइट है, कोई खर्चा नहीं है. तो जा ठीक है. तो यस आ गए हैं आईफोन्स, लॉन्च तो हो ही गए हैं. अब अगले हफ्ते 10 दिन में शायद हमारे पास आ भी जाएंगे, यूज़ करेंगे जब हम लोग, तो उसके बाद उसके बारे में अपने आर डिवाइसेस वाले सेगमेंट के अंदर बात भी कर लेंगे. बाकी आप लोग बताओ, आप लोग को क्या लग रहा है कि जो एप्पल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या ये जो प्राइसेस हैं ये ठीक हैं या और अग्रेसिव थोड़ी होनी चाहिए थी? इन फीचर्स को लेकर आपको क्या लग रहा है? कोई ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं आई, जो कुछ पसंद आया, ये सब आप हमें लिख के भेज सकते हो किस पर? radio@aajtak.com पर. ट्विटर पे आज तक रेडियो का ट्विटर हैंडल है ही, वहाँ आप आते नहीं हो आजकल, प्लीज़ आओ कमेंट्स करो, बहुत सारे कमेंट्स करो. कपिल भैया को भी टैग करो, हमारे कपिल देव जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको बताओ. एक्चुअली नाम कपिल देव है. मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कपिल ने आज तक चिट्ठियाँ नहीं पहुँचाई हमारे पास कोई भी, ठीक है? सारे कबूतर रख लेता बंद करके, एक भी चिट्ठी नहीं आती यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए बाकी अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से सबका मालिक टेक के नए एपिसोड के साथ. होपफुली आश्री की आवाज़ फिर से आप लोगों को वेलकम करेगी. बाकी हम दोनों तो रहेंगे यहाँ पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक.